जरा हम संविधान से शुरू करें, संविधान शुरू करें अंबानी के द्वारा। एक सड़क पर चलते व्यक्ति को कुचल दिया गया, और दूसरा भाई अंबानी का मतलब जानते हैं, देश के सबसे अमीर आदमी। दूसरा रमेश जो ड्राइवर है पेशे से, रमेश ने भी पदचालक को कुचल दिया। दोनों को दंड क्या? ओ माय गॉड, समान मिलेगा? श्योर दंड समान मिलेगा दोस्तों? इसलिए दूसरा, एक तरफ प्रधानमंत्री ने विधि का उल्लंघन किया, दूसरी तरफ सामान्य व्यक्ति, ध्यान दीजिए प्रधानमंत्री, मैं राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री ने विधि का उल्लंघन किया। मोदी ने कल सठिया के किसी को ठोंक दिया गोली से, पहला। और दूसरा, और मोहल्ले में तो पता नहीं कितना ठोको ठाके उतरते, आप देख ही रहे हैं। तो सवाल है विधि अलग अलग लागू हो या एक जैसी? ओ माय गॉड, यानी सभी लोग विधि की आंखों, विधि की देवी की सामने सभी समान हैं क्या? इसलिए क्या राजा, क्या महाराजा, क्या जाति, क्या धर्म, क्या पद, आप कितने भी ऊंचे पद पे हो सकते हैं, आपसे ऊंचा कौन है? लॉ। इसलिए अगर न्याय की देवी में कभी कोर्ट में जाइए तो एक न्याय की देवी खड़ी रहती है, उनकी आंख पे सलमान खान को आपने देखा, सिक्स पैक वाला आदमी, बापू के साथ अच्छा नहीं हुआ दोस्तों, आसाराम बापू। अब तो सलमान खान दबंग फिल्मों में क्या है? लॉ के सामने कोई दबंग है क्या? कोई सुल्तान है? ना ना। सलमान खान ने कहा भाई कितने दिन दौड़ाओगे यार, और लोग कह रहे हैं सलमान खान शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, संविधान कारण नहीं हो पा रहा है। क्योंकि याद रखिए, लॉ किसी को नहीं मानता दोस्तों, क्या सुल्तान, क्या दबंग और क्या माझी, सब बराबर। क्या सब बराबर? इसे याद रखिए, कई बार लोग समझ नहीं पाते, कहते हैं मैं अफलातून। कौन सा अफलातून यार? इसे याद रखिए दोस्तों, कोई आपके सामने कह दे कि मैं ये मैं वो, कह दो मैं सब बराबर। क्या है? सब बराबर है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात है। एक बात याद रखिए, परंपरागत समाजों में राजा महाराजाओं के जमाने में राजा महाराजा के परिवार वाले कोई अपराध कर दे, उनको सजा नहीं मिलती थी, उनको सजा नहीं मिलती थी। मनु शर्मा, मनु शर्मा ने जेसिका हत्याकांड में आपने देखा, मनु शर्मा कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता का बेटा था, उसने गोली मार दी, आज तक जेल में है, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। विकास यादव, अब देखेंगे, बहुत बड़े राजनेता का बेटा चला गया। इसलिए याद रखिए दोस्तों, पहला तो इसका मतलब क्या है, इस दोनों से हमने क्या एग्जाम्पल लिया? पहला, सभी व्यक्ति, जो बात ध्यान रखनी है, व्यक्ति नागरिक नहीं, सभी व्यक्ति, इसका मतलब विदेशी गोली मारेगा तो ही पकड़ा जाएगा। तो हमारी फंडामेंटल राइट्स की बात जब होती है तो दो शब्द का, एक नागरिक का प्रयोग किया जाता है, व्यक्ति का। तो यहां क्या शब्द का प्रयोग किया गया? सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होंगे। अब देखिए, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, अब इसको तीन चार रूपों में, जितने रूपों में कहिए उतने रूपों में कह दें, सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होंगे। अब इसी को दो तीन रूपों में और आप कह सकते हैं, इसका मतलब है सभी के साथ समान व्यवहार होगा। लालू यादव का जेल में ठंडी लग रही है, जेल का तबला बजाओ। एक बात याद रखिए दोस्तों, जेल में स्पेशल फैसिलिटी कुछ कुछ होती है नेताओं के लिए, उससे ज़्यादा मिल नहीं सकती, ये बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। सहारा, जो सबको सहारा दे, खुद बेसहारा हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने जेल में ठूंस दिया, रख यहीं पे, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसलिए क्या है, विधि के समक्ष सभी व्यक्ति के समक्ष समान हो, इसी को पांच रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है, रटेंगे तो उत्तर नहीं दे पाएंगे, ऑप्शन बदलेगा फंसेंगे। इसलिए आर्टिकल 14 को रटने का प्रयास मत करिए, एक शब्द लिखा गया उसको हम कितने रूपों में बन सकते हैं, इसी का दूसरा रूप क्या है? अगला,
सभी के साथ समान व्यवहार। समानता का मतलब क्या है? सभी के साथ समान व्यवहार, इक्वल ट्रीटमेंट। अब इसी को तीसरा रूप कह सकते हैं, किसी व्यक्ति का पद प्रतिष्ठा कुछ भी क्यों न हो, उसके साथ समान विधि लागू होगी। इसी को अगले रूप में कह सकते हैं, इसका मतलब है क्या? विधि का शासन होगा। विधि निष्पक्ष और तटस्थ होगी, सभी के लिए विधि एक समान होगी। विधि निष्पक्ष और तटस्थ होगी, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। यानी विधि की नजर में हर व्यक्ति का महत्व समान होगा। इसी बात को इस तरह विधि की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान होगा। यानी न कोई छोटा न कोई बड़ा, उन्हें कोई छोटा न कोई बड़ा। अगर इसी को नकारात्मक रूप में कहें, अगर विधि के दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान होगा, हर व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा एक जैसी होगी। एक बात याद रखिए, विशेषाधिकार और विषमता का भाव होगा। नकारात्मक रूप में कहने का तरीका क्या है? किसी भी चीज को कहने के दो तरीके हैं, पहला ये क्या है, दूसरा क्या नहीं है। इसी बात को परिभाषित करने का दूसरा तरीका क्या है? विषमता का अभाव। दूसरा, विशेषाधिकारों का भाव। याद रखिए, विधि में विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए, सॉरी समानता में विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए कि भाई जो पैसे वाले उनके लिए अलग विधि होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो पदाधिकारी है उनके लिए अलग विधि होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब है, और ये विचार हमने कहाँ सीखा? इंग्लैंड से। संविधान में इसके लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है, विधि के समक्ष समानता। संविधान में इसका नाम क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। समानता की पहली बात क्या की गई है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये हमने ब्रिटिश शासन से सीखा है कि सब समान होंगे। अच्छा, भारत में तो अंग्रेजों के समय आप देखेंगे समानता नहीं थी, वो अंग्रेजों का पहले भी देखेंगे ऐसी समानता बिल्कुल नहीं थी। तो आज की डेट में जबकि आप देखेंगे, अब सवाल है ये विधि है या समाज के परिवर्तन का एक माध्यम? इसलिए हमने कहा कि हमारा समाज वैधानिक दस्तावेज है या सामाजिक? आप जरा इस विधि को समाज में लगा के देखिए, समाज में जात लिंग धर्म के आधार पर विषमता है कि नहीं है? लॉ ऐसा नहीं मानता, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसे हमारा लॉ औद्योगिक दस्तावेज है। समाज में परिवार है, गांव है, लॉ के सामने कोई मतलब नहीं है। लॉ के सामने हर व्यक्ति का महत्व एक जैसा है। वो सामाजिक विषमता को, आर्थिक विषमता को देखता नहीं। ये हमने ब्रिटिश विधि से लिया हुआ विचार है। अब बताइए, अगर समानता का मतलब है विशेषाधिकार न रहे, यानी कोई राजा कोई महाराजा ऐसा कोई सब कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सब व्यक्ति बराबर है, कोई जमींदार कोई भूमिहीन किसान नहीं, हर व्यक्ति बराबर है, हर व्यक्ति बराबर है। तो अगला सवाल आप फिर ये पूछेंगे, तो ये नकारात्मक विचार है, ये समानता का पहला विचार जो हमारे संविधान में दिया गया। और यार ध्यान से देखिए, फंडामेंटल राइट्स का पहला अध्याय कहाँ शुरू होता है? समानता से। पहली बार समानता शुरू होती है, पहले समानता होनी चाहिए, पहले स्वतंत्रता, पहले समानता होनी चाहिए, पहले स्वतंत्रता। लेकिन एक बात खास तौर पर देखेंगे, विधि के समक्ष समानता या आर्थिक समानता? आर्थिक रूप में समानता है या विषमता? अब ये बड़ा उदारीकरण का फर्क आप देखिए। इसे दूसरा, विधि के समक्ष समानता या सामाजिक समानता क्या होगा? फिर अब ध्यान देना है, समाज में विषमता है, विधि समान है। आर्थिक विषमता है, विधि समान है।
इन हमारा संविधान इसलिए उसी विषमता को खत्म करने का प्रयास करता है, लेकिन व्यवहारिक समस्या तो बनी है। इसलिए समानता का यह विचार नकारात्मक है सकारात्मक? अच्छा, नकारात्मक और सकारात्मक का शब्द का प्रयोग मैं कैसे कर रहा हूं इसका मतलब आपको बता दूं। पुलिस का काम नकारात्मक है सकारात्मक क्या है? देखिए, नकारात्मक और सकारात्मक का मतलब ये है, देखिए नकारात्मक का मतलब है हम आपको खुला छोड़ दें, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, नकारात्मक। अब हमने ये नहीं पूछा सिमरन तुम्हारे पर्स में पैसा है कि नहीं है, जब हमने उसको आगे बढ़ने से पहले ये पूछा होता तुम्हारे पर्स में पैसा, किसी को पैसा देना सकारात्मक है, खाना खिला देना सकारात्मक है, उसके जीवन पर दूसरा हस्तक्षेप न करे ये नकारात्मक है। पुलिस का काम हमेशा नकारात्मक होता है, पुलिस का काम नकारात्मक है। पुलिस का काम नकारात्मक कैसे है? पुलिस आपको खाना नहीं देता, शिक्षा नहीं देता, हेल्थ नहीं देता, पुलिस क्या देगा? आपके जीवन पर कोई दूसरा हमला न करने पाए, ये पुलिस का मूल काम है। इसलिए ये नकारात्मक विचार है, इट इज़ अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। अच्छा, क्यों नकारात्मक विचार है? अब आप याद रखिए, हमने कहा सभी विधि के समक्ष समान है। सलमान खान ने हरीश सालवे को वकील के रूप में किया था, हरीश सालवे ने सलमान खान से 40 लाख रुपए वसूले थे, 50 लैक्स एक सुनवाई का, कौन दे पाएगा इतना? हमारे हमको 40 लाख रुपए मिल जाते दोस्तों, फिर गंगा नहा के जय श्री राम, घर बना के आराम से, मच मच करने क्या मतलब है? नकारात्मक है सकारात्मक? यानी नकारात्मक क्यों? क्योंकि आपने कहा टका सिर भाजी टका सिर खाजा अंधेर नगरी, समानता बढ़ा रहे हैं विषमता। ये विचार ठीक है गलत है? टका सिर भाजी टका सिर खाजा का मतलब एक राजा था, ये नकारात्मक विचार है। नकारात्मक क्यों है? एक राजा था बड़ा खूंखार था, उसने कहा कि जो भी हमारे राज्य में इस, उसने फांसी का फंदा बनवाया, उसने कहा जिसका भी गला इसमें आ जाएगा उसको मैं टंगवा दूंगा इस दिन। अब सवाल है यार, ये कौन सी बात है? ये कोई निर्णय है? कोई अपराध करे तो आप टंगवाओ? और संयोग की बात है, एक आदमी अपने शिष्य के साथ घूम रहा था, गुरु था, और शिष्य ने कहा कि अरे टका सिर भाजी टका मतलब मिठाई और सब्जी के दाम एक जैसे, घी और सब्जी के दाम एक जैसे। उनका गुरु जी मैं यहीं रहना चाहता हूँ। उनका शिष्य, ये बहुत अपशकुन है, यहाँ से निकल चलो, राजा बड़ा बेकार है। कहने नहीं गुरु जी, लगता है कि आप हमें खाने का विरोध कर रहे हैं। शिष्य ने बड़ा रिक्वेस्ट किया गुरु का, राजा जाओ कोई बात नहीं है। और राजा ने फरमान जारी किया, जिसका गला इस साइज का है उसको फांसी दी जाएगी। शिष्य का गला उसमें आ गया। शिष्य ने कहा ये कैसा सा, हमने कोई कुछ किया नहीं। उनका ये हमारे यहाँ ऐसा चलता है, सबके साथ समान व्यवहार, टका सिर भाजी। शिष्य भागा भागा गुरु के पास, दूसरे राजा कहा गुरु जी बचा लो, आपकी बात बहुत सही थी, मैं तो फंस गया, मैं खतरे में आ गया। गुरु का कोई बात नहीं, एक उपाय है। वो आए, उनका राजा महोदय सुना है इस दिन अमुक दिन आप सबको फांसी देने जा रहे हैं। राजा ने कहा देने जा रहा हूँ। गुरु का पहले मुझे चाहिए। राजा ने कहा लेकिन गला ना पाओ? ना पाओ नहीं, इस फंदे में आप गला नहीं आ रहा है। राजा ने कहा फिर भी मैं मरना चाहता हूँ। गुरु उनका मरना चाहता हूँ। राजा ने कहा क्यों? उनका जो फांसी का देने इतना अच्छा मुहूर्त में आप फांसी दे रहे हो कि जो मरेगा स्वर्ग जाएगा। राजा ने कहा पहले मुझे लटका दो। अब बताइए समान व्यवहार करना समानता है या नहीं है? समान व्यवहार करने में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए। एक बात याद रखिए, अब समान व्यवहार का मतलब है कि मैं कल एक टेस्ट लूं और मैं कहूं मैं सबको एक एक अच्छी पेन दूंगा। अच्छा, एक बात आप ये दिला दें कि अगर आपको कुछ पूछना हो तो परसों से, कल से नहीं परसों से, क्लास के पहले मैं थोड़ा यहाँ ऑफिस में बैठ जाऊंगा, जो भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो व्यक्ति है तो पूछ लेगा। तो परसों से आप कर ली, क्लास के पहले, क्लास के बाद हमारी फिर क्लास होती है तो क्लास के पहले पूछ लीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात आप याद रखिए, मैं अब इस क्लास में समानता बनाना चाहूँ और मैं कह दूँ कि टेस्ट ले रहा हूँ सबको एक एक पेन में दूंगा, ये क्या होगा? समान व्यवहार हुआ कि नहीं? अब सबको एक एक पेन दूंगा, ये समान व्यवहार हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। जिसके पास पहले से 5 पेन उसके पास 6 हो गई, जिसके पास एक भी नहीं थी। एक बात याद रखिए,
परिस्थितियों के अनुसार समान होना व्यवहार होना चाहिए, सबके साथ समान होना चाहिए। इसलिए आप याद रखिए, विधि के समक्ष समानता के विचार में विसंगतियां हैं, और भारत जैसे देश में आप सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे, पुरुष और महिलाओं के साथ एक ही समान व्यवहार होना चाहिए, अलग अलग। अरे वह महिलाएं वंचित हैं और आप कैसे एक साथ व्यवहार करेंगे ना, लेकिन संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान दिया है। इसलिए समानता का पहला रूप है विधि के समक्ष समानता, दूसरा रूप है कल, आज के लिए इतना है।